गूगल शीट में आपको एक फंक्शन मिल जाता है स्प्लिट का। अगर आप चाहते हैं किसी भी डेटा को स्प्लिट कराना, जैसे यहाँ पे आई एम इंडिया लिखा हुआ है तो इसमें तीन वर्ड लिखे हुए हैं, तो अभी मैं यहाँ पर स्प्लिट करा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे स्प्लिट फार्मूला मिल जाता है। तो आप स्प्लिट फार्मूला लगाइए और इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, आप किस तरीके से स्प्लिट कराना चाहते हैं। मैंने बीच बीच में स्पेस दिया है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में एक बार स्पेस टाइप कर देता हूँ, बंद करता हूँ ब्रैकेट को और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये तीनों स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन हमें इस तरह से स्प्लिट नहीं कराना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल वी करने से ये पेस्ट हो जाता है, तो ये पेस्ट हो गया। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक एरो बन के आया हुआ है, यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। ये दूसरा तरीका है जिससे आप इसको स्प्लिट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कॉमा सेमी कॉलम, तो हमने स्पेस दे रखा है तो हमें स्पेस पर टिक करना है। बस ये देखिए ये तीनों ही स्प्लिट हो चुके हैं।